माय डियर फ्रेंड्स, माय सेल्फ डॉक्टर राकेश कुमार त्रिपाठी, योर फ्रेंड, एंड इन दिस वीडियो वी आर फोकसिंग ऑन क्वेश्चन नंबर 13, क्लास 12th की मैथमेटिक्स एनसीईआरटी बुक है और टॉपिक है मैक्सिमा मिनिमा एक्सरसाइज 6.5। इसके थ्रू हम समझने की कोशिश कर रहे हैं एंड इन दिस वीडियो वी विल बी डिस्कसिंग मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस। इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, देखिए ध्यान से देखें। फाइंड टू पॉजिटिव नंबर, दो नंबर्स निकालना है एक्स एंड वाई, फॉर विच वी आर गिवन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 60। तो लेट्स स्टार्ट इट्स सॉल्यूशन। तो एक्स प्लस वाई 60 वी आर गिवन, तो दिस कैन बी कंसीडर्ड एज वन। और दूसरी चीज़ है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट एक्स एंड वाई बोथ आर ग्रेटर देन जीरो, दोनों जीरो से बड़े हैं। एंड वट इज़ टू बी मैक्सिमाइज, इसको मैक्सिमाइज करना है। 12th क्वेश्चन अगर आपने देखा नहीं है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, लिंक पे क्लिक करें, 12th क्वेश्चन का सोल्यूशन देखें, वो भी बहुत शानदार क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, आपकी समझ को और ज़्यादा डेवलप करेगा। तो वट इज़ टू बी मैक्सिमाइज, दिस टू बी मैक्सिमाइज एक्स इंटू वाई क्यूब, इसका हम इसे पी मान सकते हैं, एस मान सकते हैं, एल कुछ भी मान सकते हैं। तो लेट्स कंसीडर दिस एज पी। इज देयर एनी हार्ड एंड फास्ट रूल फॉर अज्यूमिंग दिस एज पी और एस? नो, देयर इज नो सच रूल। पर एक्स और वाई नहीं मान सकते हैं क्योंकि एक्स एंड वाई आर ऑलरेडी देयर। इट कंटेन्स टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई, एंड नाउ वी नीड टू डिफरेंशिएटेड विद रिस्पेक्ट टू सम वेरिएबल, एक वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो इसमें से दो में से एक को हटाना पड़ेगा। तो आई रिक्वेस्ट यू टू रिप्लेस द वैल्यू हुज पावर इज लेस, उसको हटा दे जिसकी पावर लेस है। आप इसमें y की भी वैल्यू रख सकते हैं, 60 माइनस एक्स होल क्यू, थोड़ा सा डिफरेंशिएशन में भी कॉम्प्लिकेटेड। और इन केस इफ यू विश टू एलिमिनेट y, सो यू नीड टू एलिमिनेट, यू कैन एलिमिनेट, एंड ऑफ कोर्स यू कैन फाइंड द वैल्यू। एंड इन केस इफ यू फाइंड एनी काइंड ऑफ डाउट और प्रॉब्लम, प्लीज लेट मी नो एट दिस नंबर, आप मुझे जरूर लिख दें, आई विल हेल्प यू। दिस इज माई व्हाट्सएप नंबर। तो अब हम x एलिमिनेट करते हैं, तो ध्यान से देखें 60 माइनस क्या आएगा आपके पास, y इंटू वाई क्यूब। एज आई यूजली टेल इन केस ऑफ मैक्सिमा मिनिमा, इफ मल्टीप्लीकेशन इज ईजियर देन यू नीड टू मल्टीप्लाई। तो ये थोड़ा सरल है, सिंपली मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा इसका, 60y क्यूब माइनस y टू द पावर 4 बन जाएगा। अब p, नाउ p हैज़ बिकम अ फंक्शन ऑफ y ओनली, अब p y का फंक्शन बन चुका है, तो वी शैल डिफरेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट टू y, y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे इसको। तो dp by dy, 60y क्यूब का डिफरेंशिएशन 180y स्क्वायर माइनस 4y क्यूब, यहाँ पर dy वाई बाई डी एक्स इन टू में नहीं आएगा बिकॉज वी आर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू वॉट y, सो नो नीड टू राइट इन टू dy वाई बाई डी एक्स। नहीं तो रूल है कि जब भी y का डिफरेंशिएशन होता है विद रिस्पेक्ट टू x, वी यूज टू मल्टीप्लाई विद dy वाई बाई डी एक्स आफ्टर डिफरेंशिएटिंग, बट हियर नो नीड टू मल्टीप्लाई बिकॉज वी आर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू वॉट y। अब दूसरी चीज़ है कि आफ्टर डिफरेंशिएटिंग, दिस इज द प्रोसीजर ऑफ मैक्सिमा मिनिमा, कि फर्स्ट डिफरेंशिएट, वाई वी आर डिफरेंशिएटिंग टू मैक्सिमाइज पी, टू वॉट, टू मैक्सिमाइज पी। अब हमको क्रिटिकल पॉइंट्स पता लगाना है, वो पॉइंट्स पता लगाना है जहाँ पर पी की वैल्यू उन एक्स और वाई पर मैक्सिमम हो जाएगी। तो उसके लिए, तो टू फाइंड क्रिटिकल पॉइंट्स हम डी पी वाई डी एक्स को किससे इक्वेट कर देंगे दोस्तों, डी पी वाई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो से। तो हमारे पास आ जाएगा 180 वाई स्क्वायर माइनस 4 वाई क्यूब इज इक्वल टू जीरो। अब हम क्या कर सकते हैं, इससे कॉमन ले सकते हैं, वाई स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, 4 कॉमन ले सकते हैं। अगर हमने 4 कॉमन लिया तो आप इसको डिवाइड कर दीजिए, 4 जा आपके पास आ जाएगा 16 और 4 जा 4 जा 16 आ जाएगा आपके पास और 4 जा 20 माइनस y इज इक्वल टू जीरो। दिस इम्प्लाइज इधर दिस जीरो, कौन जीरो, 4 तो जीरो के अपॉन में चला गया, इधर दिस y स्क्वायर जीरो और 45 माइनस y जीरो।
this implies y is equal to 0, which is not possible. Why is this not possible? Because you can see x and y must be what? Because x and y both should be greater than 0. You can see both should be greater than 0. So the possible value of y is what? Possible value of y is 45. On the basis of this y is equal to 45, we can find x with the help of this one. So from 1, x plus y is equal to 60, and if y is this 45, so x will be 15. So these two values are the values where this function can be maximum, but we cannot say surely that at x is equal to this and y equal to this function will be maximum. So to assure, to guarantee, to verify that the function is maximum, we need to differentiate p once again, means we shall differentiate dpy dy again. So to verify what? To verify p is maximum at y is equal to 15, we shall differentiate dpy dy again. So we shall differentiate dpy dy. तो उधर स्पेस कम है, आप मैं इस तरफ लिख देता हूँ. तो dpy dy देखिए क्या होगा, सॉरी d2p by dy square क्या होगा, ddy of dpy dy. तो इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे हम, ddy of 180 y square minus 4yq minus 4yq. आप ध्यान से देखिए, 180 y square का डिफरेंशिएशन होगा 360 y. तो ये हो गया आपके पास 180 into 2y 360 y minus 12y square. अब आपको y की जगह रखना है at y is equal to what? At y is equal to 15. चाहे तो आप इसमें से कुछ कॉमन निकल रहा है तो कॉमन ले ले, तो कैलकुलेशन थोड़ा सा इजी हो जाएगा. तो 12y कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 12 3 जा 36 इंटू 0 माइनस y, और एट y इज इक्वल टू 45. एट y इज इक्वल टू 45 देखिए, 12 इंटू 45 इंटू 30 माइनस 45. नाउ यू कैन सी 30 माइनस 45 इज माइनस 15. तो 12 इंटू 45 इंटू माइनस 15 इंटू माइनस 15 विच इज़ अ नेगेटिव वैल्यू लेस देन 0 विच इज़ अ नेगेटिव वैल्यू. देयरफॉर अब मालूम है आपको कि अगर d2py/dy स्क्वायर नेगेटिव हो गया तो इसका मतलब है कि p का वैल्यू प्रोडक्ट जो है वो मैक्सिमम होगा. तो प्रोडक्ट जो है मैक्सिमम होगा, कौन से पॉइंट पे मैक्सिमम होगा तो वो देखते हैं हम. तो ध्यान से देखिए, therefore इसलिए p is maximum और अगर प्लस होता तो मिनिमम हो जाता, इक्वल टू जीरो होता तो नथिंग कैन बी सेड. p इज मैक्सिमम व्हेन y इज इक्वल टू 45 और x इज इक्वल टू 15. सो दीज आर द नंबर्स, x इज इक्वल टू 15 एंड y इक्वल टू 45, फॉर विच दिस प्रोडक्ट इज मैक्सिमम. और अगर आपको मैक्सिमम प्रोडक्ट पूछ लेता तो ये पूछा नहीं है, इन केस इफ यू आर आस्क्ड टू फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट, तो आपको x और y की ये वैल्यू रखनी पड़ेगी और आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा. तो यू मे कैलकुलेट एंड आई एम अश्योर्ड दैट यू विल बी कैलकुलेटिंग इफ इट इज़ नीडेड. और मेरी बेस्ट विशेस है, आपको होपफुली समझ में आया होगा. चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और खूब पढ़ें, आगे बढ़ें. आप पढ़ेंगे देश बढ़ेगा. मेरी बेस्ट विशेस है, विश यू ऑल द बेस्ट.